और परमबीर सिंह के आरोपों के बाद अनिल देशमुख की कुर्सी जा सकती है, उनकी जगह पर जयंत पाटिल को महाराष्ट्र का नया गृह मंत्री बनाया जा सकता है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद गृहमंत्री अनिल देशमुख की कुर्सी पर खतरा मंडरा गया है। देशमुख पर आरोपों के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अनिल देशमुख की कुर्सी जा सकती है और उनकी जगह पर जयंत पाटिल को महाराष्ट्र का नया गृहमंत्री बनाया जा सकता है। उधर खबर है कि एनसीपी जल्द अपने मंत्रियों और नेताओं की बैठक बुलाएगी, जिससे परमबीर सिंह की चिट्ठी पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी के कुछ नेताओं का मानना है अनिल देशमुख को गृहमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग अब तेज हो चुकी है। राज ठाकरे ने भी देशमुख के इस्तीफे की मांग की। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी सामने आने के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भी अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की है। अपने एक ट्वीट में राज ठाकरे ने कहा, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुख्यमंत्री को लिखी गई चिट्ठी विस्फोटक है। यह महाराष्ट्र की छवि के लिए बहुत हानिकारक है। गृह मंत्री अनिल देशमुख को तुरंत अपना इस्तीफा सौंपने की जरूरत है और इसकी जांच भी की जानी चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी ने भी अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने महाराष्ट्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा। TV9 भारतवर्ष के साथ बातचीत के दौरान विजयवर्गीय ने और क्या कहा, सुनिए। सरकार का गृह मंत्री इस प्रकार के विषयों में इन्वॉल्व है, मतलब जब रक्षक भक्षक बन जाए तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ क्या हाल है। आप कह रहे हैं कि उद्धव सरकार को बने रहने का अधिकार नहीं, ये जो एक्सपोज हुआ है इसके बाद? निश्चित रूप से, अभी तो एक विभाग का हुआ है, जैसे कितने विभाग हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा होगा। जो सरकार बैठ कर इस प्रकार षड्यंत्र से पैसा कमा रही है, जिसका गृह मंत्री ऐसे पैसे कमा रहा है, आप उस सरकार के बारे में क्या सोच सकते हैं? तो एक विभाग का एक्सपोज हो। और पश्चिम बंगाल की चुनावी दंगल में प्रधानमंत्री मोदी आज फिर से उतरेंगे। पीएम बांकुड़ा में एक रैली को संबोधित करने वाले। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी आज बांकुड़ा जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की रैली दोपहर 3:30 बजे शुरू होगी। रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इससे पहले शनिवार को पीएम मोदी ने अपनी खड़गपुर रैली में ममता सरकार पर जमकर बरसे। मोदी ने कहा कि दीदी ने बंगाल को लूट मार भ्रष्टाचार और कुशासन से भरे 10 साल दिए। जनता ने दीदी पर भरोसा किया लेकिन उन्होंने धोखा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हमें 5 साल का मौका दीजिए, हम सारी बर्बादी मिटा कर रहेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार 9:00 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।